हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि ब्लैक फ्रीजा बीरस से ज़्यादा ताकतवर है? अगर ऐसा है तो फिर फ्रीजा ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को हरा सकता है, क्योंकि मांगा में जब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस की लड़ाई चलती रहती है तो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस मिलकर बीरस को हराने की कोशिश करते हैं, पर वो हरा नहीं पाते हैं। बीरस ने वेजिटा से यह बात भी कही है कि उसकी सुपर सेयन ब्लू एवोल्यूशन की हकाइसिंग लेवल बहुत कम है। वो इस ताकत से दूसरे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी हरा सकता है, पर उसे हराने के लिए कई मिलियंस साल लगेंगे। पर हम ब्लैक फ्रीजा की ताकत को कम नहीं आंक सकते, क्योंकि जिस तरह फ्रीजा ने गैस के पूरी ताकत में होते हुए भी उसे हरा दिया, और अल्ट्रा ईगो वेजिटा और ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को एक ही शॉट में हरा दिया, बिना अपनी पूरी ताकत यूज़ करते हुए इन्हें हरा दिया। पर फ्रीजा की अभी और भी ताकत हो सकती है, ये हम नहीं जानते, पर अभी के मुकाबले बीरस उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगर फ्रीजा बीरस से लड़ने अभी जाता है तो बीरस उसे आसानी से हरा सकता है। अगर आपको लगता है कि ब्लैक फ्रीजा बीरस से ज़्यादा ताकतवर है, ऐसा क्यों, कमेंट करके मुझको बताएं।